सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। शहर में हो रही चोरियों का खुलासा करने भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता अमन सोनी पर हुए हमले के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार, मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी ओर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पर पहुंचे और कुछ देर के लिए वहां सांकेतिक धरने पर भी बैठे। उसके बाद नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम दो अलग अलग ज्ञापन सौंपकर शहर में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता अमन सोनी पर हुए हमले के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग बुलंद की। प्रदर्शन में मंडल भाजपा के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी, संयोजक वेदी भवनलाल शर्मा, नवरत्न पुरोहित, तनसुख प्रजापत, भवनलाल गिलान, श्याम नारायण राठी, पवन चितलांगिया, प्रदीप सिंह, श्रवण सिंह, वेद गेवरचंद गुजर, नरेंद्र गुजर, विजय चौहान, मनोज दादी, श्रीजपाल बिजानिया, रेवतमल पंवार, गौरव इंदौरिया, राहुल सामरिया, विजय सिंह, रामनिवास बुगालिया, धीरज बोचीवाल, श्रीकांत ओझा, शोभा कंवर, चंद्रप्रभा सोनी, सरोज अग्रवाल, सुनीता, मंगलचंद सोनी, अंजनी रांकावत, रमेश सोनी, नवीन सोनी, प्रकाश सोनी, हंसराज नायक, संदीप सोनी, वीरेंद्र सोनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस प्रदर्शन के दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। जिस ढंग से पिछले कई दिनों से कई तरह की यहाँ चोरियाँ हुई है और इसके साथ साथ कुछ इस तरह के लोग जो अमन सोनी के ऊपर दोबारा जो प्राणघात हमला हुआ है और आज तक वो जो हमलावर है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं और इतनी सारी चोरियाँ हुई है उनका खुलासा नहीं हुआ है, उसके विरोध में पुलिस प्रशासन के विरोध के अंदर ये आज ज्ञापन दिया गया है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सुजानगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। अभी जगह जगह चोरियाँ हो रही है। पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम जी के घर पर भी बड़ी चोरी हुई और पुलिस बराबर कह रही है कि बस दो चार दिन में खुलासा कर देंगे, निश्चित से लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। इसी प्रकार से नाथा तालाब पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमन सोनी पर किस प्रकार से मुंह पर कपड़ा बांधकर आठ आठ दस दस लोगों ने आकर हमला किया, चार मोटरसाइकिलों पर अचानक आकर। प्री प्लान्ड वो हमला था क्योंकि आप जानते हैं आते ही उन्होंने उसके आंखों में मिर्ची डाल दी और उसके ऊपर दड़ा ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसको जयपुर रेफर किया गया है। आज उसके जबड़े में फ्रैक्चर है, उसके जगह जगह पंच लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अभी आप सब जानते हैं कि थोड़े दिन पहले ही आपस में मुकदमेबाजी हुई थी और बीच में पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव करते हुए और उसमें राजीपा करवा दिया था। हमने भी सोचा था चलो थाप मुके की बात है, लेकिन इस प्रकार से जानलेवा हमला था, ये बिल्कुल से प्राणघातक हमला था। वो तो चार साढ़े चार बजे टाइम था, उधर से लोग बाग आ रहे थे इसलिए वो भाग गए, नहीं तो उससे जान से मार सकते थे। इस प्रकार के हमले में भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है आठ आठ दिन से, तो उसके खिलाफ ये हमने आज ये प्रदर्शन किया है, हमारा रोष व्यक्त किया है और नहीं होगा तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। निश्चित रूप से सुजानगढ़ बंद का भी आयोजन हम रखेंगे। आज हमने सभी कार्यकर्ताओं के साथ गांधी चौक इकट्ठे होकर के वहाँ से नारेबाजी करते हुए मैं रैली जुलूस के रूप में हम उपखंड अधिकारी पहुँचे और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि 6 फरवरी को हमारे खनिज राज्य मंत्री खेमाराम जी मेघवाल के घर पर बड़ी चोरी हुई, उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। उसके बाद में चार पाँच चोरियाँ और हो चुकी। चोर इतने बड़े तरीके से चोरी करते हैं, उनका तरीका एक ही है, फिर भी यहाँ की पुलिस नाकाम रही है। आज तक एक भी चोर को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हुई है। उसके बाद में हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अमन सोनी, जिसको एक नातो तालाब के पास में प्राणघातक हमला, अगर कुछ लोग वहाँ नहीं आते तो हो सकता है वो प्राणों से हाथ धो बैठता। इस प्रकार का भूमाफिया लोग थे उसमें या किस प्रकार के समाज कंटक लोग थे, उन्होंने नकाबपोश पहन करके जिसका पहचान नहीं होगा कौन था, उस प्रकार का प्राणघातक हमला किया। आज उसको यहाँ से रेफर करके और आज चार पाँच दिन हो गए वो जयपुर ट्रॉमा सेंटर में SMS पे एडमिट है। उसकी हालत ख़राब है, उसका ऑपरेशन होगा, जबड़ा टूट गया उसका। ऐसी दयनीय हालत होने के बावजूद भी यहाँ की सुजानगढ़ पुलिस एकदम मौन है। मैं पता नहीं राजस्थान की सत्ता का असर है या पुलिस खुद काम करना नहीं चाहती, समझ में नहीं आता। हम शनिवार को CI साहब के पास गए थे थाने में, हमने उनको कहा था कि आज तक एक भी चोर नहीं पकड़ा गया है, उसके हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, आप क्यों नींद में सो रहे हो, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। वो कार्रवाई इसको थोड़ी कहते हैं, एक भी अगर आदमी को आप गिरफ्तार कर लेते, अगर एक चोरी गिरफ्तार कर बरामद कर ले तो हम मान लेते आप काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन से हमारा बिल्कुल असर उठ गया है। हमने ये आज जो ज्ञापन दिया है, 5 दिन तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई
तो हम सुजान बंद रखेंगे, बड़ा जन आंदोलन करेंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, राजस्थान सरकार की होगी। कुछ समय से जिस प्रकार से सुजानगढ़ में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, एक हफ्ते के अंदर तीन तीन चार चार चोरियां लगातार एक ही तरीके से हो जाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन एक भी चोरी के खुलासा करने में नाकामयाब रहा है, और पिछले कुछ समय से अपराध की घटनाएं पूरे जिले में बढ़ती रही है। उसी क्रम में सुजानगढ़ में अमन सोनी जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, उस पर जानलेवा हमला हुआ है। उसके ऊपर पहले भी एक हमला हो चुका था और पुलिस प्रशासन ने अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मंत्री के घर पे भी चोरी हुई थी। पूर्व मंत्री जी के घर पे चोरी होने के बावजूद, आज इतना समय बीत जाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं कर पाया है और एक भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाया, ना ही किसी प्रकार की किसी भी चोरी में कोई बरामदगी हुई। भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ ने चोरियों व शहर में बढ़ रहे अपराध, जिसमें हमारे युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भाई अमन सोनी पर हुए जानलेवा हमले, वह हमारे पूर्व विधायक खेमाराम जी मेघवाल के घर सहित सुजानगढ़ शहर में रोज हो रही चोरियां, दिन दहाड़े हो रही चोरियां के खिलाफ हमने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि शहर के अंदर जो ये अपराध हो रहे हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए और इनका पता लगाया जाए, ताकि शहर में शांति का वातावरण बने, क्योंकि ये सरकार और प्रशासन है वो अपराधों पर अपना नियंत्रण खो चुका है, इन पे कोई नियंत्रण नहीं है और इन पे कार्रवाई करके इनका पता लगाया जाए। पावरलाल